जो आरसीईपी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी बैंकॉक में जापानी पीएम शिंजो आबे से की मुलाकात। 3 दिवसीय बैंकॉक दौरे से आज भारत लौटेंगे पीएम मोदी। इमरान के इस्तीफे की मोहलत समाप्त। प्रदर्शनकारियों ने पूरा देश बंद करने की दी धमकी। राजधानी दिल्ली में आज से ऑड इवन लागू। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया ऑड इवन का फैसला। आज इवन नंबर की चलेंगी गाड़ियां। ऑड इवन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट। आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे शिवसेना नेता संजय राउत। सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने का करेंगे अनुरोध। शाम 5 बजे राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी के बैंकॉक दौरे को लेकर उठाए सवाल। मोदी सरकार को बताया 45 सालों की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाली सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। खबरों की चर्चा करने से पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे करेड़ा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी सीएम अशोक गहलोत के साथ मौजूद हैं। चिकित्सा शिविर का करेंगे अवलोकन। आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में करेंगे अवलोकन। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत करेड़ा पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उनके साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी इस दौरान मौजूद हैं। कुछ ही देर में चिकित्सा शिविर का सीएम अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। जी राहुल, आज सीएम गहलोत का करेड़ा दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है वहाँ? जी, ये विजन इंटर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विशाल निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर रखा गया है, जिसमें अपेंडिक्स, हंडिया, मस्का, बज आदि कई बीमारियों का इलाज किया जाएगा और कई स्त्री रोगों का जैसे बच्चेदानी, अंडेदानी, महावारी आदि निःशुल्क इलाज किया जाएगा। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं रहने की निःशुल्क है, सारे इलाज निःशुल्क है, जितनी भी दवाएं हैं वो सारी निःशुल्क है। जी राहुल, अब जब अब करेड़ा पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो चिकित्सा अवलोकन भी करेंगे, तो क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है सीएम गहलोत का? वो चिकित्सा अवलोकन उन्होंने अभी शुरू कर दिया है। वो मरीजों से मिल रहे हैं, मरीजों से पूछ रहे हैं और उन्होंने चिकित्सा कर्मियों से भी मुलाकात करनी शुरू कर दी है। उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा इलाज मरीजों को हो सके। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। जयपुर से बड़ी खबर, कैबिनेट सब कमेटी की होगी अहम बैठक। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पुनर्गठन को लेकर यह बैठक होगी। आज शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। बता दें कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मंत्री शांति धारीवाल और मास्टर भंवरलाल मेघवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही हरीश चौधरी, उदयलाल अंजना और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर जयपुर से, कैबिनेट सब कमेटी की आज अहम बैठक होने जा रही है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के पुनर्गठन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आज शाम 5 बजे डीपीसीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज शाम 5 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री शांति धारीवाल, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, हरीश चौधरी, उदयलाल अंजना और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो
बढ़ते खबरों की ओर, जहां दौसा में बसवा थाना क्षेत्र के रावली मोड़ के पास एक आवारा गौवंश को बचाने के प्रयास में दो बाइक ट्रक से भिड़ गई, तो इस दौरान बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित तीन लोग इसमें घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को मानिकपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैसा कि जितना एक्सीडेंट हुआ कोई, लेकिन एक्सीडेंट ज़्यादा बहुत सीरियस था, एक आदमी तो ऑन स्पॉट ही खत्म हो गई हमारे पास आया, दूसरा आदमी की हालत बहुत सीरियस बनी हुई थी, तीसरी जो लेडीज है उनका हाथ हाथ में लगी है, अभी एक चौथा बंदा है वो भी थोड़ा सही लग रहा है, आगे हमने दो को रेफर कर दिया, एक आदमी डेड थे, बाकी एक का इलाज चल रहा है। तो वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे के लिए दी गई समय सीमा रविवार रात समाप्त हो जाने के बाद देश के धर्मगुरु एवं नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे देश में बंद की धमकी दी है। जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख रहमान ने दो दिवसीय समय सीमा समाप्त होने के बाद यहां एक प्रदर्शन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उद्देश्य पूरा होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा यह साफ है कि शासक को जाना होगा और लोगों को निष्पक्ष चुनाव के जरिए नया शासक चुनने का मौका देना होगा, इसके अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। रहमान ने कहा कि अभी इस्लामाबाद बंद है, फिर हम पूरा देश बंद करेंगे, हम रुकेंगे नहीं और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के अन्य नेताओं से मुलाकात की योजना बना रहे हैं ताकि आगे के कदम के बारे में सर्वसम्मति से फैसला किया जा सके। राजस्थान के जालौर के सांचौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पथमेड़ा हेलीपैड पर स्वागत के बाद में नंदी पूजन और गौशाला दर्शन का कार्यक्रम है। इसके बाद सीएम गहलोत कामधेनु सरोवर में पूजन करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन को लेकर सरोवर और पूरे गौशाला परिसर में भारी जाब्ता तैनात किया गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी थाईलैंड यात्रा के तीसरे दिन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैंकॉक में होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे, वियतनाम के पीएम गुयेन जुआन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कई क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हो गया है। इस नियम के बाद दिल्ली की सड़कों पर आज से इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, साथ ही इस प्रक्रिया के बाद दिल्ली की सड़कों पर लाखों वाहनों की कम हो जाएगी और इससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो वही वाहनों की कमी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सड़कों पर सार्वजनिक बसों को उतारेंगी, जहां प्रदूषण के चलते दिल्ली के अलावा नोएडा के सभी स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषित हवा का बुरा असर राजस्थान पर भी पड़ रहा है। दिल्ली में समय व्यतीत करने के बाद जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के वायु प्रदूषण के ऊपर गहरी चिंता जताई है। वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान की मांग करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदूषण का टॉप प्रायोरिटी पर हल होना चाहिए और परमानेंट हल भी होना चाहिए। साथ ही ये समझने की जरूरत है कि परमानेंट रूप से कैसे इस समस्या का समाधान हो। सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता व्यक्त कर रही है, परंतु सालों से हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली गैस चैंबर की तरह बन गई है और पूरा देश चिंतित है, क्योंकि देश की राजधानी है, जहां भारत सरकार के तमाम ऑफिसेज हैं, राजधानी के रूप में देश विदेश में आप देखते हैं कि लोग आते जाते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो राजधानी राजधानी होती है, उसका अपना महत्व होता है। वो अगर गैस चैम्बर बन जाए तो आप सोच सकते हो फिर क्या होगा। पूरे देश को चिंता है। कल परसों मैं दिल्ली में दो दिन रहा तो मैंने ही महसूस किया कि वास्तव में लोग वहाँ पर जो अनुभव कर रहे हैं, जिस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है उससे ये लोग बीमार पड़ रहे हैं,
आदमी आंकड़े आ रहे थे 30% संख्या बढ़ गई मरीजों की, तो आप सोच सकते हो कि एक चिंता का विषय है। तो वही अमेरिका के ओरेगन प्रांत के एक जज ने हेल्थ इंश्योरेंस पर ट्रंप प्रशासन के नए नियमों पर शनिवार को रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत प्रवासियों के लिए ये साबित करना अनिवार्य किया गया था कि वे अमेरिका पहुंचने के 30 दिन के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेने या फिर चिकित्सा देखभाल का खर्च उठाने की गारंटी के बाद उन्हें वीजा दिया जाएगा। इन नियमों से भारतीयों पर भी असर पड़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही ट्रंप प्रशासन के इन नियमों पर 28 दिन के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप ने राजभवन में सत्यपाल मलिक को गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद सत्यपाल मलिक ने पणजी में कहा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे बहुत समस्याग्रस्त माना जाता है। वहां मुद्दों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद मैं यहां एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जगह पर हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहां काफी शांतिपूर्ण तरीके से समय बिताऊंगा। व्हाट्सएप हैक को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी का मोबाइल भी हैक हुआ था। पार्टी ने कहा है कि जिनके फोन हैक किए गए थे उन्हें व्हाट्सएप ने मैसेज भेजे थे, ठीक वैसा ही मैसेज प्रियंका गांधी को भी आया था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि व्हाट्सएप ने जैसा मैसेज प्रियंका गांधी को भेजा था वैसा ही मैसेज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी भेजा गया था। दोनों ही नेताओं ने हाल ही में सरकार पर मोबाइल फोन को हैक कराने का आरोप लगाया था। तो वहीं अब सांसदों के बंगलों पर जल्द ही नई चमकीली नेम प्लेट देखने को मिलेगी। जहां सांसदों की शिकायत के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली जल्द ही सभी सांसदों के बंगलों पर अंधेरे में दिखने वाली 3D नेम प्लेटें लगाएगा। वर्तमान में लगी नेम प्लेट अंधेरे में नजर नहीं आती, जिसको लेकर सांसदों ने शिकायत की थी। तो वहीं पहले चरण में नॉर्थ एवेन्यू स्थित बंगलों में उभरे अक्षरों वाली नेम प्लेट लगाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि नेम प्लेट लगाने में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसी को काम सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निविदा देने के बाद 2 महीने में काम भी पूरा हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी रहना यही बता रहा है कि शिवसेना अपनी जिद छोड़ने और भाजपा उसे मनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच शिवसेना की ओर से सरकार बनाने लायक बहुमत का दावा किया जाना ये संकेत कर रहा है, ये संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं की ओर से आ रहे बयानों से अब ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए NCP कांग्रेस शिवसेना को समर्थन दे सकती है। मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच अब नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। शरद पवार की पार्टी NCP के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने स्वीकार किया है कि शिवसेना से बातचीत के लिए उन्हें फोन आया था। अजीत पवार ने कहा कि मुझे कुछ समय पहले संजय राउत का संदेश मिला, मैं एक बैठक में था इसलिए इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। चुनाव के बाद ये पहली बार है जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों संदेश भेजा है, मैं थोड़ी देर में उनसे बात करूंगा। चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर जयपुर से, राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक। राज्यपाल कलराज मिश्र कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति भी बैठक में मौजूद। राज्यपाल 17 बिंदुओं पर कुलपतियों से चर्चा कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बड़ी खबर जयपुर से, राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक। राज्यपाल कलराज मिश्र इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति भी बैठक में मौजूद। 17 बिंदु पर कुलपतियों से राज्यपाल चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बढ़ते खबर की ओर, जहां पौड़ी के जामलखाल के रहने वाले दो भाई हरीश और अजय पवार, जो कि पिछले कई सालों से बाहर नौकरी कर रहे थे, इस दौरान उन्हें अपने गांव का ख्याल आया तो वो वापस लौट आए, जिसके बाद दोनों भाइयों ने आधुनिक रूप से कृषि की शुरुआत की और वर्तमान में काफी अच्छे स्तर पर कृषि कर रहे हैं। आपको बता दें कि अजय पवार दुबई की टेलीकॉम कंपनी में, जबकि हरीश कतर में अच्छे पद पर नौकरी कर रहे थे। मैं हरीश कुमार हैं, अजय कुमार पहले काफ़ी सालों से बाहर जॉब कर रहे थे। बाहर हमने देखा जॉब में कुछ है नहीं और हमारे उतना जगह पूरा प्लान हो रहा है, तो वहीं हमने पहले स्टार्ट किया अपने गांव जामलाखाल में। जामलाखाल हमें कम से कम 2 साल हो गए स्टार्ट किए, तो फिर कहीं से बात घूम के आई कि जसपुर में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर इस तरीके से प्लान हो चुका है, पूरा गाँव खाली हो गया, तो हमने कहा चलो एक प्रयास करते हैं। तो लास्ट मार्च में हमने यहाँ पर शुरू किया था और अभी 7-8 महीने हो गए, तो अब काफ़ी आप भी देख रहे होंगे 1-2 परिवार यहाँ पर आ रखे हैं घूमने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये था कि एक गांव को गवर्नमेंट का मेन यही है कि भाई जो विरान हुए गांव उनको आबाद करो दोबारा, और उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। देश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।